आज वर्तमान समय में बड़ी टेक्नोलॉजी को देख आपको ऐसा लगता है कि इस समय दुनिया में सबसे अनोखे कार्य हो रहे हैं, लेकिन एक बार अपनी सोच को थोड़ा पीछे ले जाकर इतिहास की इन बातों को जरूर जान लें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उन अजीबोगरीब कार्यों के बारे में जिन्हें आज सभी देशों की सरकारों ने बैन कर रखा है। नंबर 5, कोकीन ट्रीटमेंट। जहां आज कोकीन को रखना या उसका सेवन करते हुए पाए जाने पर कानून के द्वारा सजा का प्रावधान है, लेकिन आज से 100 वर्ष पहले कोकीन को इतना खतरनाक नहीं समझा जाता था। साथ ही उस दौर में कोकीन मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता था। तब कोकीन का इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ले लिया जाता था, और तब कोकीन का प्रयोग बच्चों को दर्द निवारक दवा के रूप में भी दिया जाता था, जो एकदम लीगल था। उस दौर में बाकी दवाइयों के साथ कोकीन का भी प्रचार किया जाता था। साथ कोल्ड ड्रिंक की दुनिया में मशहूर कोका कोला में भी 9 मिलीग्राम तक कोकीन का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही इसमें कुछ मात्रा कोफिन की भी सम्मिलित होती थी, लेकिन साल 1903 में कोका कोला ने इसे अपने ब्रांड से हटवा दिया था। नंबर 4, बच्चों को डाक के माध्यम से एक से दूसरी जगह भेजना। इस लाइन को पढ़ के आपको थोड़ा अजीब लगा होगा कि डाक के द्वारा बच्चे भेजना कोई मजाक है क्या, लेकिन 20वीं शताब्दी में अमेरिका के लोग डाक सेवा के माध्यम से अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेज सकते थे, और तब यह गैर कानूनी भी नहीं था। हर बच्चे को डाक से भेजने के लिए 15 से 20 सेंट खर्च होते थे। अमेरिकन लोग अपने पैसों के सेविंग और बच्चों की देखभाल के लिए अपने रिश्तेदार के पास भेज देते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें किस सिस्टम से भेजा जाता था। दोस्तों, डाक उन बच्चों के साथ एक स्टाम्प लगता था जिसमें उनका नाम और बच्चों से जुड़ी पूर्ण जानकारी होती थी, और इस जानकारी से बच्चा अपने सही पते पर पहुंच जाता था। नंबर 3, बच्चों के पिंजरे। 1930 में बच्चों की देखभाल के लिए ब्रिटिश परिवार लोहे से बने पिंजरे का इस्तेमाल करते थे। जब महिलाएं घर में काम के दौरान व्यस्त होती थी, तब बच्चों को इस जाली के पिंजरे में बिठा दिया जाता था और वो उसमें चैन से नींद ले सकता था। इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उस दौर में बच्चों की रक्षा के लिए इन पिंजरों को सबसे सुरक्षित माना जाता था। इन लोहे के पिंजरों का विचार द लूथर एमिट होल्ट की पुस्तक द केयर एंड फीडिंग ऑफ चिल्ड्रन से लिया गया, ताकि बच्चों को सुरक्षित जगह मिल सके और उसकी अच्छी केयर हो सके। हालांकि इसके लिए डॉक्टर्स हमेशा मना करते थे, लेकिन जिन लोगों के पास बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं थी, वो इसका प्रयोग करते थे। नंबर 2, इलाज के संदेहात्मक तरीके। प्राचीन समय में वैद्य के पास संक्रमण से जुड़ी बीमारी का कोई तोड़ नहीं था, और वह इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते थे। पहला है ब्लड लेपिंग यानी रक्तस्राव, और इस विधि का कई बीमारियों का इलाज करने के लिए किया जाता था। उसमें जुबान काट देना, जिससे व्यक्ति की हकलाने की बीमारी सही हो जाती थी। साथ ही दिमाग की सर्जरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक शॉक एक आम बात थी, लेकिन दोस्तों, इन सभी तरीकों का परिणाम काफ़ी खतरनाक होता था। 19वीं सदी में इलाज का एक तरीका और काफ़ी चर्चित हुआ, लीच ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में मरीज की बॉडी पर काफ़ी मात्रा में चोक चिपका दी जाती थी, जो उसकी बॉडी से भारी मात्रा में खून पी जाती थी। नंबर 1, रेडियो एक्टिव खिलौने। 1950 में रेडिएशन को काफ़ी सुरक्षित माना जाता था, और इस दौर में इससे जुड़े कई कंपनियों के खिलौने काफ़ी ज़्यादा चलन में थे। इनके कुछ खिलौने ऐसे थे
जो साइंस एक्सपेरिमेंट पर आधारित थे, जिनके कुछ मात्रा में असली पोलोनियम और यूरेनियम का प्रयोग किया जाता था। साथ ही दोस्तों, हाथ में पहनने वाली घड़ियों पर ऐसा पेंट किया जाता था जिससे वो रात समय काफ़ी चमकती थी। इसमें भी कुछ मात्रा में रेडियम को प्रयोग में लाया जाता था। खास बात तो यह है दोस्तों, जिस पेंट को वाच पर लगाया जाता था उस ब्रश को मुंह से सीधा किया जाता था, जिस वजह से रेडियम की कुछ मात्रा उनके शरीर में चली जाती थी। रिपोर्टर के अनुसार वहां काम करने वाले सभी स्टाफ के शरीर में करीब 300 ग्राम रेडियो एक्टिव रेडियम चला गया और इस वजह से उन्हें कैंसर और हड्डियों से जुड़ी बीमारियां हो गई और इस बीमारी का नाम था रेडियम जा। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।